ऐसा आयोजन नहीं था, वो अचानक हुआ है। हमारा स्वयं का आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग के रूप में किया जा रहा था, श्री अडवाणी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष के रूप में जो मैं उसमें सहयोग कर रहा था, उस सब का एकमात्र उद्देश्य जन जागरण करना और राम मंदिर के लिए देश भर में एक जनमत और एक एक प्रकार का वायुमंडल तैयार करना था और तथ्यों को लोगों के सामने रखना था। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र की तह नहीं थे के तहत नहीं थे, वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है, इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है और मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जय जय श्री राम और सबको सन्मति दे भगवान। धन्यवाद। Well, you were just listening to Murali Manohar Joshi, senior leader of the BJP, who was one of the accused in the Babri demolition case. He just spoke to the media saying that the only objective of the Kar Sevak was to make people aware of the Ram temple and the history behind it. He says the verdict has come out and it just confirms that there was no plan to demolish the structure, but the incident happened spontaneously. So sticking to the position that BJP has taken on all along, that the demolition was an act of spontaneous action of people on ground, the BJP did not conspire or premeditate the demolition of the Babri Masjid. Murali Manohar Joshi there reiterating that stand after the verdict.